चंद्रशेखर जी को सिर्फ सोचकर ये बात सच जान पड़ती है कि सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, हाँ कमाया जाता है। यकीन कीजिए, उनसे सिर्फ एक मुलाकात कोई भी उनका मुरीद बन जाता था। भूर्सी बाबा ने जीवन पर्यंत कुछ कमाया तो सम्मान। भूर्सी का संत भी उनका एक प्रचलित नाम था। यह पहचान मिली भूर्सी आश्रम से। यहां भी चंद्रशेखर जी को विरोध का सामना करना पड़ा। मौजूदा सरकार खुलकर आश्रम की जमीन के मुद्दे पर चंद्रशेखर जी की खिलाफत में उतर आई और उसके जवाब में चंद्रशेखर जी ने ये जवाब दिया। मनुष्य रचनात्मक काम करता है तो उसका तुरंत फायदा किसको होता है किसको नहीं होता है, अगर आप जरा ऑब्जेक्टिव तरीके से यथास्थिति को देख करके जो वास्तविकता है उसको देखते, मुझको फायदा हुआ या नहीं, भूर्सी वालों को फायदा हुआ नहीं, इस स्थान को तो फायदा हुआ है, यहाँ हरियाली हुई, ये पहाड़ ये जंगल मैं लेके जाने वाला नहीं हूँ, इसमें मेरे परिवार का कोई पोषण नहीं होता है, मेरा फायदा जरूर हुआ कि मुझे आत्मविश्वास मेरा बढ़ा है, मुझे आत्मसंतोष है, और सारी आलोचना के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आज के राजनीतिज्ञों में जो काम मैंने किया है किसी और ने नहीं किया है। बाद में बड़े ही सरल स्वभाव से चंद्रशेखर जी ने जमीन सरकार को सुपुर्द करने में तनिक भी देर नहीं लगाई, लेकिन तय किया कि आश्रम तो बनेगा, कीमत कुछ भी हो। भूर्सी के संत ने अकेले ही जमीन खरीदी और बना दिया एक और आश्रम। धूप हो, छांव हो या बढ़ती उम्र, चंद्रशेखर जी ने किसी को भी राह में रोड़ा न बनने दिया। जमीन को समतल बनाने का काम चल रहा था। अजात शत्रु चंद्रशेखर धूप में खुले आसमान के नीचे कामगारों के साथ मिलकर काम किए, नक्शा तैयार किए, नए आश्रम की रूपरेखा तैयार की। उस वक्त मैं उनके साथ था। ये तस्वीरें सच का बखान कर रही हैं। बुजुर्ग होने के बावजूद देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर एक आम आदमी की तरह खेत खलिहान में काम करते थे। आज के राजनेताओं के लिए तस्वीर एक आईना है। माटी के इस लाल का माटी से प्रेम तब तक रहा जब तक वो खुद धरती पर रहे। तीनों आदमी ट्यूबवेल के पास मट्टी डाल रहे हैं, वहां उसे चारों ओर निशान मैंने बना दिया है। जब भी कभी आत्मशक्ति की दरकार होती, मैं चंद्रशेखर जी की पुरानी लाइब्रेरी जाता हूँ, उन पर लिखी किताबें पढ़ता हूँ। कुछ ऐसे किस्से मिल जाते हैं जो रग रग में जोश भर देते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। एक घर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में कुछ प्लानिंग हो रही थी। चंद्रशेखर जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। बैठक के बारे में पता चलते ही चंद्रशेखर जी अकेले उस कमरे में पहुंच गए जहां बैठक हो रही थी। चंद्रशेखर जी को अकेले देख वीएचपी के नेताओं ने उन्हें कमजोर समझने की भूल कर दी। कुछ लोगों ने आवाज ऊंची कर कहा, कुछ भी हो जाए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से हम पीछे नहीं हटेंगे। सारी आवाजें एक बुलंद आवाज के नीचे कुचल कर रह गई। वो आवाज थी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की। उन्होंने कहा, आप भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, अगर एक आदमी भी मस्जिद की तरफ बढ़ा तो मैं सेना को आदेश दे दूंगा कि वो गोली चला दे। बंद कमरे में यह बात कह देना महज गीदड़ भपकी नहीं हो सकती। सुर बदलते जरा भी देर नहीं लगी, शांति की राह खोजने की कवायद शुरू हो गई। चंद्रशेखर जी की सोच कभी एक तरफा नहीं थी। अगर उन्होंने वीएचपी को आड़े हाथों लिया तो मुस्लिम समुदाय को भी हिदायत दी। इस घटना के कुछ रोज बाद ही चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। राष्ट्रपति के अनुरोध पर चंद्रशेखर जी अपने कार्यकाल से ज्यादा 3 महीने और पद पर बने रहे। इसी दौरान उन्हें एक ऐसे चैलेंज का सामना करना था जो नामुमकिन सा जान पड़ता था। उस वक्त देश में 1984 का तांडव था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि गली सड़कों पर सेना उतार दीजिए, मुझे 1984 किसी हाल में नहीं होना चाहिए। सेना के अधिकारी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, सर लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट एंड आई थिंक द सिविल अथॉरिटी विल अपोज इट। फौलादी इरादों ने शब्दों का रूप धरा। चंद्रशेखर जी ने कहा, आई एम द हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री एंड दिस इज माई ऑर्डर।
इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर जी को 1964 में कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी की वो मुलाकात इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज न हुई हो, लेकिन थी वो ऐतिहासिक। इंदिरा गांधी ने पूछा, कांग्रेस में शामिल होकर आप क्या करेंगे? चंद्रशेखर जी ने जवाब दिया, मैं कांग्रेस को समाजवादी बनाना चाहता हूँ। जवाब पर सवाल तैयार था। इंदिरा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर ऐसा न कर पाए तो? चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं कांग्रेस तोड़ दूंगा। बिना किसी भय के बड़ी हिसाब गोई से चंद्रशेखर जी ने अपनी बात कह दी। एक बार सीताराम केसरी ने चंद्रशेखर जी को कहा कि इंदिरा जी के पास आपकी शिकायतें आ रही हैं। चंद्रशेखर जी ने सीताराम केसरी से कहा कि परसों जब ये शिकायत हुई थी तो तीन लोग थे, एक व्यक्ति उस मीटिंग में 2 मिनट बाद चला गया। ये सुनते ही सीताराम केसरी भी उस मीटिंग से उठकर चुपचाप चले गए। 2 दिन बाद चंद्रशेखर जी ने सीताराम केसरी को खुद बुलाया और कहा कि जाकर इंदिरा जी से कह दीजिएगा कि जब वो अकेले में किसी से बात करें तो ठीक है, अगर 2 लोग होते हैं तो उसमें एक व्यक्ति चंद्रशेखर का होता है। चंद्रशेखर जी भले ही अब ना हो, लेकिन उनका विचार, उनका व्यक्तित्व अभी भी उनके लोगों के बीच में। जो उन्होंने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा, जिसके लिए हमेशा वो जाने जाते हैं, इसीलिए सदन में जब भी खड़े होकर बोलते थे तो उनकी बात सबको ही सुनता था। वो हम लोगों के बीच हमेशा रहेंगे विचारों के रूप में। चंद्रशेखर जी ने न केवल युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को एक ताकत दी। मैंने उन्हें लोकसभा में देखा है और बोलते हुए सुना भी है। वो विपक्ष के लिए जो लड़ाई संघर्ष का, हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे विपक्ष के लिए। चंद्रशेखर जी केवल अपने लोगों के लिए नहीं थे, चंद्रशेखर जी उन कुछ गिने चुने नेताओं में थे जो पैदा हुए थे देश के लिए और देश के बारे में सोचते थे और देश का अनभला कहीं नहीं चाहते थे। देश की भलाई के लिए वह किसी से भी टकरा सकते थे, कुछ भी नुकसान झेल सकते थे। इसीलिए आज चंद्रशेखर जी की विचारों से ही उनकी पूर्ति हो सकती है और इस देश को सुरक्षित बचाए रखा जा सकता है। चंद्रशेखर जी गांव से एक आम किसान के घर से पैदा होकर अपनी बात को बहुत बुलंदी से और बेबाक करने का, भारतीय राजनीति में कोई शख्स पैदा हुआ तो वोट की राजनीति न करके देश और समाज की राजनीति करने का काम किया है और इसीलिए आज भी नौजवान उनकी विचारों से कहीं ना कहीं सहमत है और न्यू विचारों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं।